नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न पहला हम करने जा रहे हैं। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बच्चों, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। देखिए यहाँ पर हमने कुछ वृत्त बनाए हैं, ये सभी वृत्त एक दूसरे के बराबर नहीं है परंतु एक ही आकार के हैं। इसका मतलब सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होते तो सभी की त्रिज्या भी बराबर होती। तो सारे ही वृत्त तो एक दूसरे के बराबर त्रिज्या के नहीं हो सकते, हाँ एक ही रूप के हो सकते हैं, एक ही जैसे होते हैं सभी वृत्त। इसलिए हमने लिखा सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी प्रकार दूसरा भाग है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। अब देखिए यहां हमने एक वर्ग ये बनाया है, एक वर्ग ये बनाया है, इसी प्रकार एक वर्ग हमने ये बनाया है। सभी में ही चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, परंतु ये एक दूसरे जैसे तो हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसीलिए हमने लिखा सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम केवल वही वर्ग होंगे जिनकी भुजाएं बराबर होंगी। तीसरा भाग है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। अब पहले आप इन दो त्रिभुजों को देखिए, ये समद्विबाहु है यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं, और ये समद्विबाहु है यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं। क्या ये त्रिभुज एक जैसे हैं? नहीं है। इसीलिए ये है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर और समबाहु के तीनों कोण बराबर होते हैं यानी 60-60 डिग्री के। ये भी एक समबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। इसका अर्थ है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बेटा, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद चौथा रिक्त स्थान है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हों, उनके संगत कोण बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। बच्चों, यदि दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बराबर है, चार भुजाएं हैं दोनों में या पांच या छह या सात, तो यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी यानी बराबर अनुपात में होंगी, तभी वे दोनों बहुभुज आपस में समरूप होंगे। तो यही समरूप बहुभुजों की दो कंडीशंस हैं, पहला उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो ये थे कुछ रिक्त स्थान जो कि आपके 6.1 एक्सरसाइज के प्रथम प्रश्न में हैं। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।